हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में स्टोन क्रशर से जुड़े प्रश्न को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। प्रश्नकाल के दौरान सदन में बीजेपी की ओर से स्टोन क्रशर को लेकर सवाल पूछा गया। स्टोन क्रशर को बंद करने के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के जवाब से विपक्ष ने नाखुशी जाहिर की। सवाल के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पूरा विपक्ष नारेबाजी करता हुआ सदन से बाहर आ गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान ब्यास बेसिन और सतलुज बेसिन के स्टोन क्रशर से जुड़े सवाल पर मिले जवाब को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि सरकार को झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है और सरकार की ओर से तथ्यों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सरकार पर स्टोन क्रशर बंद करने की अधूरी जानकारी देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को पिछले एक साल में सब कुछ बंद करने का जुनून सवार हुआ है। आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पहला ही प्रश्न लगा था कि हिमाचल प्रदेश में जो स्टोन क्रशर बंद करने के लिए जो एक आदेश किया और उस आदेश में ब्यास बेसन और सतलुज बेसन पर जो है वो जो स्टोन क्रशर लगे हैं उनको बंद करने के आदेश दिए गए, और जब उसका उत्तर हमने सुना जो मंत्री जी ने दिया तो वो बहुत ही हास्यास्पद था। और इसलिए क्योंकि सरकार को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश कर रही है। तो प्रश्न हमने एक ही बात के लिए पूछा था कि जो क्रशर आपने 112 क्रशर बंद किए और बंद करने के बाद तुरंत कुछ दिनों के बाद जो बात कही गई कि भाई उसमें से कितने 90 क्रशर जो है ठीक पाए गए, जब ठीक पाए गए तो बंद क्यों किए गए थे? फिर इसके बाद पूछा गया कि भी नुकसान जो आपने जो क्रशर बंद किए उसके कारण नुकसान हुआ, बता नुकसान कोई नहीं हुआ। प्रश्न पूछा गया कि कोई आदमी उसमें जो है जो हजारों की संख्या में जो मजदूर वहां पर काम करते हैं वो बेरोजगार नहीं हुए, बोलते नहीं हुए, वो तो हिमाचल के तो रहने वाले नहीं थे, तो बाहर के रहने वाले थे। और मैं ये कहना चाहता हूं क्रशर में अधिकांश लोग काम करने वाले हिमाचल के हैं। और सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात तो ये, जब मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए जो मूल प्रश्न था उनके उस प्रश्न से हट करके अपनी कहानी पढ़ने लग पड़े। सही बात यह है कि बिना सोचे समझे कांग्रेस पार्टी को पिछले एक साल से एक जुनून सवार हुआ है कि बंद करो, ये भी बंद करो, वो भी बंद करो। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 12,000 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं और हजारों की संख्या में घर ऐसे हैं जिनको रिपेयर करने की जरूरत है। रेत बजरा मिलना बंद हो गया और बंद होने की वजह से 4 गुना उसकी कीमत बढ़ गई। वर्किंग सीजन जो जितना भी था डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का, चाहे वो सड़कों के पक्का करने की बात है, चाहे वो दूसरे चीजें जो डेवलपमेंट की जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है, सारी की सारी स्टैंड स्टिल हो गई हिमाचल प्रदेश में। और अब सर्दी के मौसम में स्वाभाविक रूप से जो ठंडे इलाके हैं वहां पर काम करना संभव नहीं हो पाता है, पूरा वर्किंग सीजन भी बर्बाद किया। जिन लोगों के घर चले गए थे वो एक बोरू जो है वो रेते बजरे का खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे क्योंकि इतना महंगा हो गया और अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे में जिस प्रकार से तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि नुकसान नहीं हुआ और हम सारी जो है फॉर्मेलिटीज, हम तो कानून के मुताबिक चलेंगे, कानून के मुताबिक चलिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये क्रशर बंद किए गए और उसके बाद क्रशर वालों को बुला बुला करके यही पूछा जा रहा है कि खोला जाए कि नहीं खोला जाए, और इस बात के पीछे कई चीजें निकल रही हैं। और सही मायने में ये बहुत बड़ा घोटाला अपने आप में होगा ये हिमाचल प्रदेश में, और ये हमारा आरोप है सरकार के ऊपर जिस प्रकार से काम को रोक करके दोबारा से उनको शुरू करने के लिए जो बहुत सारी औपचारिकताओं के दौर में से गुजर करके सारी चीजों को तंग किया जा रहा है, उन लोगों को तंग किया जा रहा है, मैं समझता हूं बिल्कुल भी वो उचित नहीं है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, मैं क्या जहां क्रशर मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो एक भी क्रशर नहीं है। अगर क्रशर ही नुकसान का, इनके ही एक मंत्री ने कहा और एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा
कि क्रशर एकमात्र कारण नहीं है। इंडस्ट्री मिनिस्टर बोलते हैं कि क्रशर के कारण बाढ़ आई, नुकसान हुआ, और दूसरे मंत्री कह रहे हैं, पीडब्ल्यू मंत्री कह रहे हैं कि बाढ़ के कारण जब क्रशर के कारण नुकसान नहीं हुआ है, क्रशर जल्दी खुलना चाहिए, इससे नुकसान प्रदेश का हो रहा है। आपस में आप अंदाजा लगाइए कि हालत क्या बन गई है प्रदेश सरकार की। एक मंत्री कुछ बोल रहा है, दूसरा मंत्री कुछ बोल रहा है, और यहाँ पर जिक्र किया गया कि वहाँ के जो विधायक हैं, क्या नाम, जो CPS है, उन्होंने कहीं जिक्र किया कि अगर अगर ये जो है वो ये माइनिंग नहीं हुई होती, इलीगल बोला या क्या बोला शब्द मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अगर नहीं होते तो सारा का सारा नालागढ़ बह गया, तो बोलते हैं अब ये तमाशा ही बन गया है, ये तमाशा बन गया है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का वर्तमान में। इसलिए हम कह रहे हैं, मंत्री कुछ कह रहा है, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, कि कम से कम आप जवाब एक जैसा तो दो, और जवाब वो दीजिए जिसके पीछे हकीकत है, सच्चाई है। इसलिए आज जब हमने प्रश्न का उत्तर संतोषजनक नहीं मिला, जो विपिन परमार जी ने प्रश्न किया था, जब संतोष उनको पूछने के लिए दोबारा सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं की गई, और इस कारण से हमने वॉकआउट किया।